हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहां तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊं है वो भी मौके पे पहुंचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है, और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेज भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं।